ये इस तरीके से सीट पोर्ट आता है और इसके अंदर ये सीट निकलते हैं, और ये लगभग 3 महीने में इसके अंदर सीट जो है वो पक जाता है और इसको आप सेव कर दें। उसके बाद में जैसे ही ये फटेगा तो आप इसको काट के और अपने सीट को निकाल कर वो ग्रो कर सकते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, द मुगल्स हेवन में आपका स्वागत है। तो ये है दोस्तों अडेनियम के सीट। ये इस तरीके की फली आती है अडेनियम की, और इसके अंदर ये सीट लगा होता है और इसके दोनों साइड इस तरीके से बाल होते हैं। अगर आपने ये सीट की केयर नहीं करी तो ये इस तरीके से ऐसे उड़ जाते हैं। ये देखिए, ये उड़ गया है। तो इसलिए इसको पहले से ही से इसको रोका जाता है। चाहे आप इसके ऊपर धागा लपेट दें और चाहे इसके ऊपर पॉलोथीन चढ़ा दें ताकि ये निकले नहीं। ये हमारा भी इसी तरीके से लगभग निकल सा गया था, लेकिन उससे पहले मुझे पता चल गया, मैंने निगाह पड़ गई जब ये फटा, तो मैंने कहा कि ये तो सीट पोर्ट तैयार हो गए हैं और अच्छा हुआ मुझे टाइम से पहले पता चल गया, तो मैंने इनको आज कलेक्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके इस तरीके से रूएं को दोनों साइड से निकालना है, और ये है सीट इसका। देखिए ये सीट है इसका, ये इसका सीट है। इस तरीके से आप इनको कलेक्ट करें, ये एक एक सीट इस तरीके से निकाल लें। और ये फली तोड़ने के, जब आपकी फली पक जाए और इस तरीके के निकल जाए तो आप इसको तीसरे चौथे दिन ही बो दें तो बहुत बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक रोक सकते हैं, 20 दिन के बाद अगर आप इनको बोगे तो ये ग्रो नहीं होते हैं। तो मैं इसको पहले कलेक्ट करके निकाल लेता हूँ। चार चार पाँच पाँच सीट को एक साथ इकट्ठा कर लें, सारे सीटों को एक जगह कर लें, पाँच पाँच छः छः, और इनको एक साथ तोड़ दें। ये देखिए इस तरीके से, अगर एक एक सीट आप अलग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये सारे इकट्ठे एक साथ हो गए हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। दोस्तों सीट मेरे कलेक्ट हो गए हैं, मैंने सब सारे सीट निकाल लिए हैं। ये लगभग 100 से ज़्यादा सीट हैं। दो दो फली होती है ना एक साइड में, एक इधर, दो फली इस तरीके से निकलती हैं और उसमें एक फली के अंदर 60 बीज होता है लगभग। तो अब इनके साथ क्या करना है, किस तरीके से, ये आप थोड़ा सा पानी लीजिए एक किसी डब्बे में, और उसमें आप ये फंगीसाइड, किसी किस्म का आपके पास जो भी फंगीसाइड हो वो आप इसमें डाल लें। ये फंगीसाइड आपने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर आप अपने सीट डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सीट फंगीसाइड में डाल के और एक दिन के लिए इसको रख दें, और एक दिन के बाद इसकी मीडिया तैयार करें और उस मीडिया में इसको ग्रो कर दें। तो मैं इसको अब कल तक इसको रखूंगा और कल के बाद में हम इसको ग्रो करेंगे, तो वो आपको हम कल दिखाएंगे। तो दोस्तों अडेनियम के सीट भिगोए हुए एक दिन पूरा हो गया है और ये बिल्कुल ग्रो करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सीट आप ऊपर देख रहे हैं, ये अंदर डूबे नहीं इसके पानी के अंदर, तो ये नहीं ग्रो होंगे, क्योंकि ये सीट जो हैं, ये देखिए ये खाली हैं, ये नहीं जमेंगे, ये ग्रो नहीं होंगे। ये देखिए, तो इसका ये भी एक फायदा है कि इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा सीट हमारा ग्रो होगा कौन सा नहीं होगा। ये सारे निकाल दीजिए जो आपके अंदर नहीं डूबे हैं, और जो सीट अंदर डूब गए हैं वो ग्रो हो जाएंगे सारे। अब इस पानी को निकाल लें, तो ये देखिए दोस्तों, ये सीट हमारे जो हैं ये सारे ग्रो हो जाएंगे, और इसमें कोई कोई सीट तो ये ग्रो होने लगा है। ये देखिए, ये इस तरीके से इसका ये निकल ही आया है, ये देख रहे हैं आप, ये निकल के आ गया है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए मीडिया तैयार करते हैं।
तो दोस्तों ये लेनी है कोकोपीट आपने, ये कोकोपीट है। रात बारिश पड़ गई थी इसलिए ये सारी भीग गई है, कोई बात नहीं, भिगोनी तो वैसे भी है। तो ये कोकोपीट लेनी है और उसके बाद में ये हमने जो खाद ली है वो बकरे की मैंगनी ली है और सेंट यानी बदरपुर, तो इन तीन चीज़ों को आप उसमें मिला लीजिए इस तरीके से। और इसी में कोकोपीट डाल दें, अच्छी तरीके से मिला लीजिए कि ये फंगीसाइड देख रहे हैं आप, ये फंगीसाइड लगभग एक चम्मच इसमें इस तरीके से डाल दें। ये फंगीसाइड पड़ गया, अब इसको मिला लेते हैं। ये फंगीसाइड जब आप हाथ से मिलाएं तो अच्छी तरीके से हाथ को धो लें क्योंकि ये जहर होता है। ये हमारी मीडिया मिलके तैयार हो गई है, अब हम ये पोर्ट हमने सेलेक्ट किया है, इस पोर्ट में हम इसको भर देंगे और इसके जो होल हैं वो यहाँ ठिगली रख देंगे इस तरीके से और मीडिया इसमें भर देंगे। अब इस पोर्ट के अंदर हम अपनी कोकोपीट को भर देते हैं। ये हमारी मीडिया लगभग तैयार है, अब हम इसमें एक एक करके सीट निकाल के डाल देते हैं। सीट को एक साथ दो नहीं होना चाहिए, सारे सीट अलग अलग कर दीजिए। तो दोस्तों अभी ये सीट काफ़ी बचे हुए हैं, हम ये दूसरे किसी पोर्ट में करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा घना भी नहीं बोना चाहिए क्योंकि फिर निकालने में दिक्कत हो जाती है। जहाँ डबल हो गया है उसको निकाल दें और सिंगल जगह जहाँ जगह जगह वहाँ पर रख दें इसको। सिनेमिक पाउडर ये देखिए, ये सिनेमिक पाउडर है, ये इसके अंदर आप डाल दें ऊपर से सीटों को। सिनेमिक पाउडर से इसमें बिल्कुल फंगस नहीं लगेगी और ये सीट को ग्रो करने में भी बहुत तेज़ी से काम करता है, कोई सीट ख़राब नहीं होगा सिनेमिक पाउडर डालने से, ये बहुत जल्दी ही सीट को ग्रो कर देता है। ये देखिए इस तरीके से सिनेमिक पाउडर से इसको बीज को ढक दें और फिर हल्की हल्की इसमें इनको बीज को छुपा दें कोकोपीट डाल के। और अच्छी तरीके से इसको कोकोपीट से ढक दें, लगभग एक सेंटीमीटर बीज आपका ढक जाना चाहिए और ज़्यादा गहरे में ना बीज डालें, जो भी सीट हो एक सेंटीमीटर नीचे हो, अगर आपने ज़्यादा गहरे में डाल दिया तब भी ये ग्रो नहीं करेगा। इसको अच्छी तरीके से बराबर करके ये देख लें कि कोई सीट दिख तो नहीं रहा है, उस पर फौरन कोकोपीट डाल दें, ज़्यादा गहरे में मत डालें। तो इस तरीके से आप अपने सीट को ग्रो कर दें और ये वाले सीट जो बचे हैं ये हम दूसरे पोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे। अब इसका क्या करना है कि ये मुझे ढक के रखना है ताकि इसके अंदर बाहर की हवा बिल्कुल ना जाए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये है दोस्तों मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, ये थर्माकोल का डब्बा है और इसका ये ढक्कन भी है, ये देखिए ये इसका ढक्कन है, ये अच्छी तरीके से इसमें बंद हो जाता है इस तरीके से और बिल्कुल इसके अंदर बाहर की हवा नहीं जाती है, तो ये पॉली हाउस बन गया है इसके लिए। और ये सीट उठाकर इसके अंदर आप
रख दें इस तरीके से, और रख के इस ढक्कन को लगा दें। यह देखिए बिल्कुल सील पैक हो गया है, और इसको कहीं भी रख दें, इस पर ना धूप असर करेगी और ना ही इसके जो है हवा जाएगी इसके अंदर, और ये 8 दिन के अंदर ग्रो कर जाएगा। अब इसका अपडेट हम दिखाएंगे आपको, जब ये सीड अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे तो हम इनका अपडेट आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे सीड किस तरीके से और कितनी जल्दी ग्रो हुए। बहुत अच्छा तरीका है, आप भी ऐसे ग्रो करिए, आप इसका अपडेट देख लें और उसके बाद में ये आप तरीका इस्तेमाल करें, आपका सीड एक एक सीड जमेगा। अडेनियम के सीड ग्रो करे हुए आज 4 दिन हो गए हैं, तो आज देखते हैं इसको खोलकर कि कितनी जर्मिनेशन हुई है या नहीं हुई है। जर्मिनेशन तो शुरू हो गई है, चलिए इसको बाहर निकाल के देखते हैं कितने हुए हैं। तो दोस्तों हमारे सीड काफ़ी ग्रो हो गए हैं, ये देखिए एक ये है 1, 2 और ये एक यहाँ पर है 3 और ये 4, ये 5 और एक ये है 6, 7 और एक ये है 8। 8 सीट करीब ग्रो हो गए हैं और आज 4 रोज हो गए हैं, तो अब ये अगले 4 दिन में सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे। इसके अंदर लगभग हमने 60 सीट ग्रो किए थे, अब ये कितने जर्मिनेशन, 8 तो जर्मिनेशन हो गए हैं और भी होंगे, एक आध दिख नहीं रहे हैं। अगले 4 दिन के अंदर सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे, ये 8 दिन में सारे ग्रो हो जाते हैं। तो अब हम 4 दिन के बाद देखते हैं कि हमारे कितने सीड ग्रो होते हैं। तो दोस्तों ये 6 दिन के बाद का अपडेट है, और ये भी लगभग करीब करीब पूरे सीड ग्रो हो चुके हैं, और आपको अब अगले हम 2 दिन के बाद का। तो गाइस अडेनियम के सीड की हमारी जर्मिनेशन लगभग पूरी हो गई है, और इसको 8 दिन आज हो गए हैं, और ये 2 पत्ती का हो चुका है इस टाइम पे, और लगभग सारे बीज ग्रो हो गए हैं, और बहुत ही हेल्थी सीड सारे ग्रो हुए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें बस मुश्किल से अगर एक आध बीज कोई बचा होगा तो वो भी एक आध दिन में ग्रो हो जाएगा, और ये सारे के सारे हमारे अडेनियम के सीड ग्रो हो गए हैं। अब आपको ये मैं अपडेट दिखा रहा हूँ, ये 8 दिन की अपडेट है, 8 दिन में हमारा सारा बीज ग्रो हो गया है, और ये जो 5-7 महीने के अंदर ये भी इस तरीके के अडेनियम हो जाएंगे। ये लगभग 8 महीने पुराने अडेनियम है हमारे, ये देख रही है आप, इनके कोटेज देखिए, ये 8 महीने के हो गए हैं। एक इधर है, ये देखिए, ये लगभग 20-25 हमारे पास हैं जो पिछली मैंने सितंबर अक्टूबर में ये ग्रो किए थे, और जो जिसकी मैंने फरवरी मार्च में रिपोर्टिंग की थी। अब इसकी रिपोर्टिंग हम जब 4-5 पत्ती का हो जाएगा तब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा, अगर जब तक सर्दी पड़ने लगी तो फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगा, फिर मैं फरवरी में ही करूँगा इसकी रिपोर्टिंग। लगभग 60 बीज हैं, और 60 बीज के अलग अलग पोर्ट जो हैं वो सर्दी में कहाँ रखते फिरेंगे इधर से उधर, इसलिए मैं इसको अगर ये जल्दी हो गया तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा, और नहीं तो फिर मैं फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।